प्रभात बच्चों, कक्षा 10 की हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तुलसीदास कृत धनुष भंग की व्याख्या पढ़ाऊंगी, आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। दोहा इस प्रकार है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भंग। यह दोहा जब संदर्भ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब देखिए इसमें प्रसंग क्या है। प्रस्तुत दोहे में उस समय का मनोहारी चित्रण किया गया है जब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम धनुष भंग के लिए मंच से उठ खड़े हुए। उस समय उनकी जो शोभा थी उसका वर्णन यहाँ किया गया है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन रंग। उदित माने यहाँ उदय, उदयगिरि माने उदयाचल पर्वत जिस पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, रघुवर माने श्री राम, बाल पतंग माने बाल सूर्य, प्रातःकाल का सूर्य, विकसे माने खिलौटे और सरोज माने कमल, हर्षे माने हर्ष और लोचन माने नेत्र, मृंग भ्रंग माने भौरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम जी स्वयंवर सभा में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके धनुष भंग के लिए मंच से उठते हैं तो उनकी शोभा ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया हो। जैसे मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया हो, जिसे देखकर संत रूपी कमल यानी पुष्प खिल उठे हों और उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षे लोचन भ्रंग, उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए हों। अर्थात जब श्री राम मंच से खड़े हुए तो उस समय स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी जन हर्षित हो उठे। आगे देखिए, नृपहन केरे आशा निशनासी, बचन नखत अबलीन प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भये वेशोक कोक मुनि देवा, वरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। नृपन केरे आशा निशनासी, नृपन माने राजा, आशा माने आशा, निश माने रात्रि और नासी माने नष्ट हो गई, वचन नखत अवसी न प्रकाशी, नखत माने नक्षत्र तारे, अवली माने पंक्ति, मानी महिप कुमद सकुचाने, महिप माने राजा, सकुचाने माने संकुच, कपटी भूप उलूक लुकाने, उलूक माने उल्लू, लुकाने माने छिप गए, भय विशोक कोक मुनि देवा, कोक माने चकवा यानी कोकल, वर्ष ही सुमन जनाव ही सेवा, जनाव माने प्रकट कर रहे, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम सुनिन सब आयस मांगा, आयस माने आज्ञा। यहाँ पर तुलसीदास जी ने श्री राम द्वारा धनुष भंग से पहले जब गुरु और मुनियों से आज्ञा मांगने, किसने, श्री राम ने मांगी थी, गुरु और मुनियों से आज्ञा मांगी, सभा में उपस्थित राजाओं की मनस्थिति, राम की विनयशीलता तथा उदारता का वर्णन यहाँ किया गया है। तभी क्या कह रहे हैं, नृप के आसान से नासी, बचन नखत अबली न प्रकाशी की धनुष भंग के लिए मंच से जब राम खड़े हो गए तो स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं की सीता को प्राप्त करने की मनोकामना नष्ट हो गई तथा उनके वन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया, अर्थात वे सभी मौन हो गए। मानी महिप मुकुद कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, वे सभी क्या थे, वे सकुचाने लगे, जो अभिमानी कुमुद रूपी राजा थे वे सभी सकुचाने लगे तथा श्री राम रूपी सूर्य को देखकर मुरझा गए और कपट रूपी उल्लू की तरह छिप गए। जिस प्रकार रात होने पर चकवा चकपी अपने विरोह के विछो के कारण शोक में डूब जाते हैं, उसी प्रकार सभा में उपस्थित मुनि और जो वहाँ पर सभा में मुनि उपस्थित थे और देवता चकवा रूपी शोक में डूबे हुए थे,
परंतु श्री राम की तत्परता देख उनका दुख समाप्त हो गया। भय विशोक कोक मुनि देवा वरसई सुमन जनावई सेवा गुरुपद वंद सहित अनुरागा राम मुनि सन आय सुमांगा। अब राम और सीता के संयोग की बाधा समाप्त हो गई। श्री राम को देखकर सभा में उपस्थित समस्त जन फूलों की वर्षा कर रहे थे। इसी बीच श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना कर अन्य सभी मुनियों से धनुष भंग करने की अनुमति मांगते हैं। सहजई चले सकल जग स्वामी मत मंजुकर बर कुंजर गामी। संपूर्ण जग के स्वामी श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र जी के चरणों की वंदना तथा अन्य मुनियों की आज्ञा प्राप्त करके सुंदर मत वाले हाथी की भांति मस्त चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ रहे हैं। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। श्री राम के धनुष की ओर बढ़ते हुए जनकपुरी के सभी नर नारी सुख का अनुभव करते हुए आनंद होते उनका शरीर रोमांच से भर गया। बंदि पितर सुर शुक्र संवारे जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। जनकपुरी के नर नारियों ने अपने पूर्वजों देवताओं की वंदना कर अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे द्वारा किए पुण्यों का तनिक भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई तो शिव वध उम्रलाल की नाई तेरह राम गणेश गोसाई। श्री राम इस धनुष शिव धनुष को कमल की नाल के समान सहज ही तोड़ डालें। काव्यगत सौंदर्य इसमें भाषा अवधि है, शैली प्रबंध और विवेचनात्मक, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है और दोहा छंद का यहाँ प्रयोग है। आगे देखिए, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोलाए सीता मात स्नेह वस बचन कहे विलखाए। यहाँ राम ही मान श्री राम समेत माने के साथ, सखिन माने सखियाँ, समीप माने पास, कोलाई माने बुलाया, मातु माने माता, स्नेह माने स्नेह या प्रेम, बिलखाई माने विलाप करते हुए। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने सीता जी की माता का राम के प्रति वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया है। व्याख्या इस प्रकार है, राम ही प्रेम समेत लखे सखिन समीप बुलाए। श्री राम अत्यंत सुंदर व कोमल रूप वाले हैं, अतः श्री राम जी की माता वात्सल्य प्रेम से उन्हें देख रही हैं। वे अपनी सखियों को अपने पास बुलाकर स्नेहपूर्वक विलाप करती हुई कहने लगी। क्या कहने लगी, अर्थात यानी सीता जी की माता श्री राम की कोमलता पर अत्यंत मुग्ध हो गई। उनकी मनोकामना भी यही है कि सीता जी का विवाह राम के साथ हो जाए। सीता मात स्नेह वस बचन कहे विलखाए। परंतु श्री राम की कोमलता को देखकर उनका मन व्याकुल है कि जब इतने अत्यंत शूरवीर राजा इस धनुष को हिला तक नहीं पाए तो यह कोमल वाला किसे कैसे तोड़ेगा। इसी संदेह के कारण सीता जी की माता भावुक हो उठी तथा राम और सीता दोनों के स्नेह में अपनी सखियों से अपने मन की व्यथा को कहने लगे। देखिए, सभी सख कौतुक देख निहारे जेव कहावत है तो हमारे को न बुझा कहई गुरु पाही ए बालक असे हट भले नाही रावण बाण छुआ नहीं चपा चापा हारे सकल भूप कर दापा सोधनुष राजकुंवर कर देही बाल मराल की मंदर लेही। कौतुक माने आश्चर्य से, देखने हारे माने देखने वाले हैं, कहावत माने कहलाते हैं, हित माने तैशी, को माने कोई, बुझाए माने समझाकर, गुरु माने गुरु, असे हट माने ऐसी हट, भले नाही माने अच्छी नहीं, रावण माने रावण, बाण माने बाणासुर, चापा माने धनुष, दापा माने दर्प या घमंड, कर माने हाथ, देही माने देना, बाल मराल माने हंस का बच्चा, मंत्र माने मंत्रा चाल या मंत्राचाल यानी पहाड़। यहाँ पर श्री राम की कोमलता और उनकी उनका मन चिंतित है। जब शक्तिशाली राजा इस धनुष को नहीं ला सके तब बालक इस धनुष को कैसे उठाए, तो उनकी माता चिंता प्रकट करती हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे जेव कहावत है तुम्हारे। सीता जी की माता अपनी सखियों से कहती हैं कि हे सखी, जो लोग हमारे हितैषी कहलाते हैं वे सभी हताश देखने वाले हैं। क्या इनमें से कोई भी राम के गुरु विश्वामित्र को समझाने के लिए जाएगा कि ये राम अभी बालक है। को न बुझाए कहन गुरु नाही ये बालक से हटे भले नाही। इस धनुष को तोड़ने के लिए हट करना अच्छी नहीं, अर्थात इस धनुष को बड़े बड़े योद्धा हिला तक नहीं पाए। रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल भूप
करदापा। धनुष को तोड़ने के लिए विश्वामित्र का आज्ञा देना और राम का आज्ञा मानकर चल देना तमाशे जैसा ही है। यह मेरी पुत्री का स्वयंवर है, खेल नहीं। फिर इन्हें कोई क्यों नहीं समझाता? इस धनुष की कठोरता के कारण रावण और बाणासुर जैसे वीर योद्धाओं ने इसे छुआ तक नहीं। सभी राजाओं का धनुष तोड़ने का घमंड टूट चुका है, अर्थात सभी अपनी हार मान चुके हैं, तो धनुष को तोड़ने के लिए इस राजकुमार के हाथों में क्यों दे दिया? सो धकु राजकुमार कर दे ही बाल मराल की मंदर थे। कोई ने समझाता क्यों नहीं कि हंस का बच्चा कभी मद्राचल पहाड़ उठा सकता है? अर्थात शिव जी के जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे महान शक्तिशाली योद्धा छू तक नहीं सके, उसे तोड़ने के लिए विश्वामित्र का श्री राम को आज्ञा देना अनुचित है। श्री राम का भी उन्हें तोड़ने के लिए आगे बढ़ना बालट ही है। भूप सयानप सकल सिरानी सख विद गत कछ जाते न जानी, बोली चतुर सखी मृदवानी तेज वंत लघु गनी नरानी, कह कुभंज कुंभज कह सिंधु अपारा सोशिव सुज सु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा उदय तासु त्रिभुवन तंभागा। तुलसीदास जी कहते हैं कि भूप सयान सकल सयानी सखी विधि गति कछु जाते न जानी। सीता जी की माता राजा जनक को लहाना देती हैं कि चाहे कोई विश्वामित्र को समझाए या न समझाए, परंतु राजा को तो उन्हें समझाना चाहिए। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राजा जनक की सारी समझदारी समाप्त हो गई है। हे सखी, सखी विधि गति कछु जाते न जानी। सखी, विधाता की करनी को कोई नहीं जानता कि वह क्या चाहते हैं। बोली चतुर सखी मृदवानी तेजवंत लघुगनी न रानी, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उनकी एक सखी कहती है कि हे रानी, तेजवान व्यक्ति चाहे उम्र में छोटा क्यों ना हो, उसे छोटा नहीं मानना चाहिए। कह कुंभ कह सिंधु अपारा सोशिव सुजसु सकल संसारा, कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त और कहाँ विस्तृत और अपार समुद्र, दोनों में कोई समानता नहीं है, पर मुनि अपने पराक्रम से उस अपार समुद्र को सोख लिया है। इस कारण रवि मंडल देखत लघु लागा उदय तास त्रिभुवन तंभागा, इस कारण उनका यश हमारे सारे संसार में विद्यमान है। अर्थात जिस प्रकार सूर्य का घेरा छोटा सा दिखाई देता है, किंतु सूर्य के उदित होते ही तीनों लोकों का अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार तुम श्री राम को छोटा मत समझो। काव्य का सौंदर्य यहाँ इस प्रकार है। भाषा अवधि है, शैली प्रबंध और विवेचनात्मक, प्रसाद गुण है, चौपाई छंद है और वीर रस का प्रयोग है।